मंत्री जी, आज जो बैठक चल रही थी, विषय उठ रहा था, एक सेक्टर है 9 और 10, वो इंडस्ट्री है, बहुत पुराना कटावा है, और उसको लेकर आज व्यापारियों ने आज आपके माध्यम से आपके स्थिर बैठ के बैठक करी कि उसमें आपके जो नर्मदा अथॉरिटी है उसे सीलिंग करना चाहती है, उस विषय को आज आप पे आया है, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे पास ये विषय आया है, ये विषय संवैधानिक रूप से देखने का है कि नर्मदा अथॉरिटी जो कार्य कर रही है किन संवैधानिक अधिकारों के तहत कर रही है। अगर उसमें कोई रास्ता ऐसा होता है जो व्यापारी हित में और राजस्व हित में दोनों ही हितों में हो, उस दिशा में सरकार इस पर अमल करेगी। इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ला करके जो भी इसका निस्तारण जनहित में हो सकता होगा वो कराया जाएगा। किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न और अत्याचार उसके साथ नहीं होने दिया जाएगा। अथॉरिटी कोई भी हो, किसी भी अधिकारी को हमारे मुख्यमंत्री जी ने यह अधिकार नहीं दिया है तो किसी व्यापारी का उत्पीड़न कर सकता। मंत्री जी, मैं एक छोटी सी और बात करना चाहूंगा। आप आए हैं, आप इनसे मिले, इन्होंने बताया कि कुछ दुकानें अथॉरिटी ने सील भी कर दी हैं और कुछ और ही परेशान है जो सीलिंग के नोटिस आए हुए हैं, तो इन्हें आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे इस समय? अभी भी मेरे विषय में मेरे संज्ञान में ये विषय आया है, मैंने अभी आपको बताया, उससे संबंधित कागजात मैंने मांगे हैं व्यापारियों से, जो सीलिंग और नोटिस के आदेश आए हुए हैं उनको मुझे मेरे पास जैसे भेजेंगे वैसे ही मैं यहाँ के सीईओ को और औद्योगिक विकास आयुक्त दोनों को बात करके उस समस्या का निराकरण कराऊंगा, ये मैं उनको आश्वासन दूंगा। आप देख रहे थे कि आप मनीष गुप्ता जी, व्यापार कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जिन्होंने आज नोएडा में समस्याओं को लेके, व्यापारी और इंडस्ट्री की समस्याओं को लेके आज नोएडा के व्यापारियों ने, औद्योगिक बंधुओं ने इन्हें अवगत कराया। जो भिन्न भिन्न समस्या है, पानी हो या सीलिंग की समस्या हो, उन्हें आश्वासन दे के जा रहे हैं कि नहीं, आपका हर चीज का समाधान होगा। देश दुनिया की खबरों को देखते रहिए, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।